ऐसी हालत में वजन नहीं उठाना चाहिए वो मानी ने कहा था फारिस के कमरे में जाकर रख दो मैं उसे आजाद से प्यार करती हूँ और मेरे दिल में उसकी जगह कोई नहीं है उसको बहुत गुस्सा आया उसने मोबाइल अपने पास रख लिया और जाते वक्त गलती से साथ ही ले गया अच्छा जी जब जायरा आएगी ना तब पूछूंगी कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी खुशियाँ तुम्हारी जिम्मेदारी इसी में है कि तुम लोग यहाँ से अलग हो जाओ हम उसे एक वादा करें हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे वादा रहा जाहिर है भाई मेरी बीवी है वो तो होगी ना असल के दिल में खतीजा बागत के लिए बुराई डालने इससे बेहतर मौका नहीं को को करोगे नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साध को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साध का ही जर्फ है कि वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब महिन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माह का शोहर या घर में से कोई भी इसे कॉल करेगा तो आगे से इसका फोन शहजाद उठाएगा और माह को जूनी का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी ज्यादा नहीं चलेगी जब वो देखेगा की सुधरने का नाम नहीं ले रही तो वो इसे आखिर में छोड़ने का फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरतबा ऐसी चालेंज चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो अरसल ऐसी ये तक बोल देगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा ले और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अरसल भी आस्था आस्ता अपनी माँ से मुंतरफर होगा की ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ सियासी करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदने का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साथ को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साथ का ही जर्फ है कि वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब माहन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माह का शोहर या घर में से कोई भी इसे कॉल करेगा तो आगे से इसका फोन शहजाद उठाएगा और माहीन को जूनी का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी ज्यादा नहीं चलेगी जब वो देखेगा ये लड़की तो के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही तो वो इसे आखिर में छोड़ने का फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरत ऐसी चालेंज चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो असल ऐसी ये तक बोल बोलतेगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा ले और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अर्सल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अरसल भी आस्था आस्ता अपनी माँ से मुतरफर होगा की ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ शादियाँ करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदने का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साथ को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खोला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साथ का ही जर्फ है कि वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब महीन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माह का शोहर या घर में से कोई भी इसे काल करेगा तो आगे से इसका उठाएगा। और माहीन को का साथ देने की, की बर्दाश्त नहीं चलेगी तो सुधरने का नाम नहीं ले रही तो फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरत ऐसी चालें चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो असल ये तक बोल देगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अर्सल भी आस्ता आस्ता अपनी माँ से मुंतर होगा कि ऐसी हालत में वो हम से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ शादियाँ करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदमे का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साध को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साध का ही जर्फ है की वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब महिन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ महीन का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माहिन का शोहर या घर में से कोई भी इसे कॉल करेगा तो आगे से इसका फोन शहजाद उठाएगा और माह को जूनी का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी ज्यादा नहीं चलेगी क्यूँकी जब वो देखेगा की सुधरने का नाम नहीं ले रही तो वो इसे आखिर में छोड़ने का फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरत ऐसी चालें चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो अरसल ऐसी ये तक बोल देगी कि वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा लेगा और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर असल भी आस्ता आस्ता अपनी माँ से मुंतरफर होगा कि ऐसी हालत में वो हम ऐसी ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ शादियाँ करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदमे का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साथ को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साथ का ही जर्फ है कि वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब माह को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माह का शोहर या घर में से कोई भी इसे कॉल करेगा तो आगे से इसका फोन उठाएगा और माह को जूनी का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि जब वो देखेगा ये लड़की तो निकाह के बाद भी सुधरने का का नाम नहीं ले रही तो वो इसे आखिर में छोड़ने फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरतबा ऐसी चालेंज चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो अरसल ऐसी ये तक बोल देगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा ले और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अरसल भी आस्था आस्ता अपनी माँ से मुतरफर होगा की ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ सियासियां करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदमे का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरज सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साध को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मुहबत करती है और इससे खोला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साध का ही जरफ है की वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब माहन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माह का शोहर या घर में से कोई भी इसे कॉल करेगा तो आगे से इसका फोन उठाएगा और माहीन को जूनी का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि जब वो देखेगा कि ये लड़की तो निकाह के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही तो वो इसे आखिर में छोड़ने का फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरत ऐसी चालें चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो अरसल से ये तक बोल देगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अर्सल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अरसल भी आस्ता आस्था अपनी माँ से मुंतरफर होगा की ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमने पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ शादियाँ करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदमे का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद, शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साध को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साध का ही जर्फ है कि वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब माहन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माहन का शोहर या घर में से कोई भी इसे काल करेगा तो आगे से इसका फोन शहजाद उठाएगा और माह को जूनी का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि जब वो देखेगा ये लड़की तो के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही तो वो इसे आखिर में छोड़ने का फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरतबा ऐसी चालें चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो अरसल ऐसी ये तक बोल देगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अर्सल भी आस्ता-आस्ता अपनी माँ से मुंतरफर होगा कि ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ सासियाँ करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदमे का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरज सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साध को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मुहबत करती है और इससे खोला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साध का ही जरफ़ है की वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब महिन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माह का शोहर या घर में से कोई भी इसे कॉल करेगा तो आगे से इसका फोन शहजाद उठाएगा और माहीन को का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी जब वो देखेगा की सुधरने का नाम नहीं ले रही तो वो इसे आखिर में छोड़ने का फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरत ऐसी चालेंज चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो अरसल से ये तक बोल देगी कि वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा ले और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अरसल भी आस्था आस्ता अपनी माँ से मुंतरफर होगा की वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ सियासिया करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदमे का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साथ को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साथ का ही जर्फ है कि वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब माहन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माह का शोहर या घर में से कोई भी इसे काल करेगा तो आगे से इसका उठाएगा और माहीन को का साथ, देने की अच्छी सजा मिलेगी। साथ की बर्दाश्त भी नहीं चलेगी जब वो देखेगा कि ये लड़की तो निकाह के बाद तो फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरत ऐसी चालेंज चली है की वो असल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो असल ये तक बोल देगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा ले और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अरसल भी आस्था आस्ता अपनी माँ से मुतरफर होगा की ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ सासिया करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदने का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साध को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मुहबत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साद का ही जरफ़ है की वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब माहन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माहीन का शोहर या घर में से कोई भी इसे कॉल करेगा तो आगे से इसका उठाएगा और माहीन को का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की भी, तो भी सुधरने का, तो का फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरतब ऐसी चालें चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो असल ये तक बोल देगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा ले और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अर्सल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अर्सल भी आस्ता आस्ता अपनी माँ ऐसी होगा की ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर असल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमने पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ शादी करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदमे का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साध को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खोला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साध का ही जर्फ है की वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब महिन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माहिन का शोहर या घर में से कोई भी इसे काल करेगा तो आगे से इसका फोन उठाएगा और माह को जूनी का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि जब वो देखेगा कि ये लड़की तो निकाह के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही तो वो इसे आखिर में छोड़ने का फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरतब ऐसी चालें चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो अरसल से ये तक बोल देगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर असल भी आस्था आस्ता अपनी माँ से मुंतरफर होगा की वो हम से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ सियासी करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदमे का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साध को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साध का ही जर्फ है कि वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब माहन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माह का शोहर या घर में से कोई भी इसे काल करेगा तो आगे से इसका उठाएगा और माहीन को का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी नहीं चलेगी जब वो कि ये लड़की तो निकाह के बाद तो फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरतबा ऐसी चालेंज चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो अरसल ये तक बोल देगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा ले और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर असल भी आस्था आस्ता अपनी माँ से मुंतरफर होगा की ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ सियासी करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदने का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साथ को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साथ का ही जर्फ है कि वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब माहन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी

और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अर्सल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अरसल भी आस्था आस्ता अपनी माँ से मुतरफर होगा की ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ शादियाँ करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदने का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साथ को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खोला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साथ का ही जर्फ है कि वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब महीन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माह का शोहर या घर में से कोई भी इसे काल करेगा तो आगे से इसका उठाएगा। और माहीन को का साथ देने की, की बर्दाश्त नहीं चलेगी तो सुधरने का नाम नहीं ले रही तो फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरतब ऐसी चालें चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो अरसल से ये तक बोल देगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अर्सल भी आस्ता आस्ता अपनी माँ से मुंतर होगा कि ऐसी हालत में वो हम से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ शादियाँ करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदमे का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साध को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साध का ही जर्फ है की वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब माहन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माहीन का शोहर या घर में से कोई भी इसे काल करेगा तो आगे से इसका उठाएगा और माहीन को का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी नहीं चलेगी जब वो कि ये लड़की तो निकाह के बाद तो फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरतबा ऐसी चालें चली है की वो असल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो अरसल ये तक बोल देगी कि वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अरसल भी आस्था आस्ता अपनी माँ से मुतरफर होगा कि ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ सियासी करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और यह बात इनके लिए काफी सदमे का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साथ को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साथ का ही जर्फ है कि वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब माह को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माह का शोहर या घर में से कोई भी इसे कॉल करेगा तो आगे से इसका फोन उठाएगा और माह को जूनी का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि जब वो देखेगा ये लड़की तो निकाह के बाद भी सुधरने का का नाम नहीं ले रही तो वो इसे आखिर में छोड़ने फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरतबा ऐसी चालेंज चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो अरसल ऐसी ये तक बोल देगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा लेगी और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अरसल भी आस्था आस्ता अपनी माँ से मुतरफर होगा की ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ सियासी करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदने का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साध को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साध का ही जर्फ है कि वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब माहन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माह का शोहर या घर में से कोई भी इसे कॉल करेगा तो आगे से इसका फोन शहजाद उठाएगा और माहीन को जूनी का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि जब वो देखेगा कि ये लड़की तो निकाह के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही तो वो इसे आखिर में छोड़ने का फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरत ऐसी चालें चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो असल ऐसी ये तक बोलते की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अर्सल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अर्सल भी आस्था आस्ता अपनी माँ से मुंरफर होगा की ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमने पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ शादियाँ करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदमे का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साथ को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साथ का ही जर्फ है कि वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब माहन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माहन का शोहर या घर में से कोई भी इसे काल करेगा तो आगे से इसका फोन शहजाद उठाएगा और माह को जूनी का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि जब वो देखेगा ये लड़की तो के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही तो वो इसे आखिर में छोड़ने का फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरतबा ऐसी चालें चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो अरसल ऐसी ये तक बोल देगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा की तुम तो ये काम क्यूँ कर रही हो तो वो बोलेगी की मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर असल भी आस्ता आस्ता अपनी माँ से मुंतरफर होगा की ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ सासियाँ करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदमे का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरज सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साध को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मुहबत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साध का ही जरफ़ है की वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब महिन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माह का शोहर या घर में से कोई भी इसे कॉल करेगा तो आगे से इसका फोन शहजाद उठाएगा और माहीन को जूनी का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी जब वो देखेगा की तो सुधरने का नाम नहीं ले रही तो वो इसे आखिर में छोड़ने का फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरत ऐसी चालेंज चली है की वो अरसल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो अरसल ऐसी ये तक बोल देगी कि वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा ले और जैसे ही अरसल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अरसल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अरसल भी आस्था आस्ता अपनी माँ से मुंतरफर होगा की ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ सा करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदमे का बायस होगी नाजरीन ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जूनी किसी सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही और निकाह के बाद भी इसने शहजाद शहजाद की रट लगा रखी है बल्कि अब तो वो साथ को भी बोल देगी कि वो शहजाद से ही मोहब्बत करती है और इससे खुला लेकर वो शहजाद से शादी करेगी लेकिन ये साथ का ही जर्फ है कि वो हर बात इसकी चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और जूनी तो साथ अब माहन को भी फंसा देगी क्योंकि जूनी जब शहजाद से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ माह का फोन लेकर जाएगी और वापसी पर वो फोन शहजाद के पास ही भूल आएगी और जब माह का शोहर या घर में से कोई भी इसे कॉल करेगा तो आगे से इसका फोन शहजाद उठाएगा और माह को जूनी का साथ देने की अच्छी सजा मिलेगी साथ की बर्दाश्त भी ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि जब वो देखेगा ये लड़की तो निकाह के बाद भी सुधरने का का नाम नहीं ले रही तो वो इसे आखिर में छोड़ने फैसला कर लेगा उधर हमना और इसकी माँ ने इस मरत ऐसी चालेंज चली है की वो असल को इसकी माँ के खिलाफ करने में भी कामयाब हो गई है और हमना की माँ तो असल ऐसी ये तक बोल देगी की वो इसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाए और हमना इस बात के लिए अपने होने वाले बच्चे का सहारा ले और जैसे ही अर्सल को देखेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएगी जिससे डॉक्टर ने इसको मना किया होगा और जब अर्सल पूछेगा कि तुम तो ये काम क्यों कर रही हो तो वो बोलेगी कि मुझे ममानी ने ये काम करने का बोला है जिस पर अरसल भी आस्था आस्ता अपनी माँ से मुंतरफर होगा की ऐसी हालत में वो हमना से ऐसे काम करवा रही है उधर अरसल के छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी और हमना पहले दिन ही अपनी माँ की बातों में आकर इसकी बीवी के खिलाफ सियासी करने लग जाएगी जबकि रूमी और असद आजकल काफी खुश है और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन असद की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और ये बात इनके लिए काफी सदने का बायस होगी